अगर बात करी जाए कि जैसा कि लास्ट अभी मेरा वीडियो कट चुका है, तो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को मर्ज कर दूं। फिर से प्रोग्राम सिंटेक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं एनालॉग ग्रेड का। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे इंट सी करा था, मतलब एक सी नाम का एक इंटीजर लिया था, देन वॉइड सेटअप स्टार्ट करा था जिसके अंदर हमने बताया था कि ये जीरो पे मेरे को इनपुट लेना है। देन उसके बाद में हमने सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करा था, मतलब 9600 सीरियल डॉट बिगिन की हेल्प से। देन उसके बाद में हम लोग वॉइड लूप के अंदर आए थे और हमने चेक करा था, मतलब लिख रहे थे कि एनालॉग रीड ए जीरो पे इनपुट लिया, ए जीरो मेंशन करा, देन उसको हमने रीड करके सी में डाला, ठीक है। सी नाम के वेरिएबल में हमने वैल्यू इंसर्ट कराई, देन उसके हमने हमने प्रिंट करा और 1 सेकेंड हमने डिले लिया कि 1 सेकेंड रुको, देन मेरी फिर से मेरी रीडिंग स्टार्ट करो। फिर 1 सेकेंड बाद फिर से रीडिंग हुई, फिर से प्रिंट हुआ, 1 1 सेकेंड के डिले में हमने रीडिंग स्टार्ट कर दी। इस तरीके से हमने रीडिंग का एक प्रोग्राम राइट डाउन कर लिया है। हम देखते हैं कि कैसे किस तरीके से लाइव प्रैक्टिकल ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और किस तरीके से हमारी यहाँ पर वैल्यू आएगी। स्टार्ट कर। सो गाइस, अगर सर्किट कनेक्शन की बात करी जाए तो ये रहा मेरा सर्किट जो हमने लाइव कनेक्ट करा है, जिसमें हमने एक LDR यूज करा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ में हमने यहाँ पर एक 10K का रेजिस्टेंस भी यूज करा हुआ है और हमने मिडिल से जहाँ पे इन दोनों की कनेक्टिविटी हो रही है वहां से हमने एक वायर यूज करके यहाँ पे एनालॉग इनपुट पे इंसर्ट कर दिया ए जीरो पे। साथ ही साथ हमने 5 वोल्ट और ग्राउंड को इन दोनों वायर से लेकर के यहाँ पर हुकअप कराया है और यहाँ पर दोनों जगह इंसर्ट करा दिया है जहां जहां इसकी नीड थी। तो ये तो रहा मेरा एक डायग्राम, और देखेंगे कैसे हम लोग अब हम लोग देखेंगे प्रोग्राम अपलोड करके किस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही है। स्टार्ट कर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा कनेक्शन भी बिल्ड हो चुका है, साथ ही साथ हमने प्रोग्राम भी राइट डाउन कर लिया है कि ए जीरो पे इनपुट 9600 बॉड रेट के साथ में सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लिया है। एनालॉग रीड ए जीरो पर सी में स्टोर करके सीरियल डॉट प्रिंट एलएन यूज करके हमने प्रिंट करा, देन हमने यहाँ पे 1 सेकेंड का डिले यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 1 सेकेंड का यहाँ पे डिले है। और इसकी हेल्प से जब हम लोग ये कोड अपना अपलोड करते हैं, देखते हैं कि कोड अपलोड करके, अपलोड कर रहे हैं कोड और मैंने ये ऑर्डिनो को इंसर्ट करा है। देन उसके बाद में टूल्स में गया, मैंने बोर्ड सेलेक्ट करा, ऑलरेडी ऑर्डिनो यूनो ही सेलेक्ट है, कोड भी सिलेक्टेड है। देन मैंने इसके बाद में कोड अपलोड करा, ठीक, कोड अपलोड करा। ठीक, मैंने यहाँ पे अपना सीरियल मॉनिटर मैं ऑन कर रहा हूं, तो 1 मिनट। आपको यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पर वैल्यू आती हुई नजर आ रही होगी और ये वैल्यू अभी इस टाइम पे कुछ 525 के अप्रोक्स है। अब देखेंगे जब हम लोग लाइट इंटेंसिटी अपने यहाँ पर वेरी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वैल्यू हमारी डिफरेंट डिफरेंट वेरी हुई करती हुई यहाँ पर आती जा रही है। देखते हैं, हमने अपना सेलफोन वहां पर जब इंसर्ट करा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 590, मतलब 900 के अप्रोक्स चली गई है वैल्यू, मतलब ये वैल्यू मेरी बदलती हुई नजर आती जा रही है। तो अभी और थोड़ा सा मैं अपनी ब्राइटनेस को पास में ले जाता हूँ और देखूंगा जो वैल्यू है लगभग वो 1000 के अप्रोक्स आ रही है, और थोड़ा सा करीब कर रहे हैं, 1000 से इंक्रीज होती जा रही है। और देन इसके बाद में और पास करने पे काफी हद तक ये वैल्यू मेरी 1000 के अबव है, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी जब और ज्यादा होती है तो ये लगभग 1023 के अप्रोक्स ये वैल्यू मेरी चली जाती है, और जैसे ही मैं हटाता हूँ इसको तो मैं देखूंगा कि वैल्यू फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ चुकी है। और इस समय जो यहाँ पे रूम की एम्बियंट लाइट है उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू अभी रीड कर पा रहा है वो लगभग 500 और 600 के बीच में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू अगर इसको और कवर करना स्टार्ट कर दूं तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे ब्राइटनेस मेरी और डाउन होती जा रही है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको नॉर्मल अपने सेलफोन से कवर कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने इसको कवर करा तो वैल्यू मेरी और डाउन हो रही है लगभग 299। और अगर मैं इसको पूरी तरीके से अगर अपने हाथ से अगर पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करता हूँ तो देखूंगा कि वैल्यू मेरी लगभग इस टाइम पे जो जा रही है 94 86, मतलब लगभग इतनी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 38 42, ठीक है, लगभग इतनी वैल्यू यहाँ पर
मिनिमम मेरी जा रही है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने साथ में यहाँ पर 10K का रेजिस्टेंस जो यूज करा है, जिसके कारण एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हमको हमेशा देखने को मिलेगी, चाहे हम लोग पूरे इसको कवर ही क्यों ना कर दें, पूरी तरीके से बिल्कुल भी लाइट इसमें एंटर ना होने दें, तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू, हालांकि अभी इस टाइम जीरो मिलती जा रही है, जीरो मिल रही है इस टाइम पे वैल्यू। ठीक है, क्योंकि दूसरे साइड में हमने मेगा ओम्स में जैसे ही रेजिस्टेंस पुट अप करा है तो वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस यूज करा है। अगर हमने यहाँ पर 1K या लगभग इतना अगर रेजिस्टेंस यूज करा होता तो शायद ये वैल्यू मेरी कुछ इससे ज्यादा ही होती। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने रीड करके देखी, एक जो अपनी वैल्यू रीड करके देखी वो थी मेरी जो वैल्यू रीड करी है वो है एलडीआर की। सिमिलरली हम लोग अभी कनेक्शन मैंने ऑलरेडी कर रखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि मेरे थर्मिस्टर के कनेक्शन है जो मैंने इधर साइड में करे हुए हैं, राइट हैंड साइड पे बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मैंने थर्मिस्टर के भी कनेक्शन कर रखे हैं। तो ये रहे मेरे थर्मिस्टर के कनेक्शन जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो थर्मिस्टर में भी मेरा 5 वोल्ट ग्राउंड ऑलरेडी यहाँ से मेरा आ रहा है, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, जो A0 वाली पिन थी मैं यहाँ से हटा करके थर्मिस्टर पे डालूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि थर्मिस्टर क्या रीड करके यहाँ पर वैल्यू हमें प्रोवाइड कर पा रहा है। तो थर्मिस्टर की वैल्यू भी रीड करना है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है थर्मिस्टर की वैल्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो थर्मिस्टर भी इस टाइम पे जो वैल्यू दे रहा है वो है 592K अप्रॉक्स, ठीक है। तो थर्मिस्टर पर जैसे ही हम थोड़ा सा अपना गीला करके हाथ जैसे ही इसमें लगाएंगे, देखेंगे क्या कुछ टेम्परेचर चेंजमेंट आ रहा है। कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ नहीं रहा है, मतलब इस समय जो इस रूम का टेम्परेचर है लगभग वही मेरे बॉडी हैंड का लगभग थोड़ा बहुत टेम्परेचर मैच कर रहा है। तो लगभग ये मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से वेरी करके आपको दिखा सकता हूँ और कोशिश करता हूँ कि शायद आप अच्छे से इसको देख पाए। फर्स्टली मैं कनेक्शन चेक कर लूं, ठीक है, देखता हूँ हैंड से एक बार और पकड़ के। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक थर्मिस्टर है, मैं यहाँ पर अपनी इसको इसके अगल बगल का टेम्परेचर बदलने जा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लेम लेके गया हूँ, देखते हैं क्या कुछ फर्क आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे वैल्यू सडनली बहुत राइज कर गई है और वैल्यू लगभग 1000 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू इसकी थर्मिस्टर में चेंज होती है, जैसे जैसे हम यहाँ पर जैसे ही मैचस्टिक में यहाँ पे लेके गया तो आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर वैल्यू काफी ज्यादा चेंज हुई नजर आ रही थी। तो सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरीके से डिफरेंट सेंसर्स की रीडिंग करी जाती है, एनालॉग सिग्नल की रीडिंग करी जाती है। साथ ही साथ अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वहां पे डिजिटल सिग्नल की रीडिंग स्टार्ट करें कि किस तरीके से डिजिटल सिग्नल की रीडिंग करी जाती है और किस तरीके से डिजिटल सिग्नल की रीडिंग के बाद में देखेंगे किस तरीके से सिस्टम मेकिंग करी जाती है। और भी सेंसर्स हैं जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा जब मोटर पर हम लोग अप्रोच कर लेंगे, डिफरेंट टाइप की मोटर्स वगैरह पे एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़े हैवी सेंसर्स की बात करेंगे, जैसे बायोमेट्रिक सेंसर और थोड़े से RFID सेंसर की बात करेंगे, वहां पे ह्यूमिडिटी और भी थोड़ा वेरिएंट्स के थोड़े थोड़े और सेंसर लेके आएंगे, उन पे भी डिस्कशन वहां पे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक अगर आपको किसी सेंसर पे काम करना है तो आप कमेंट करिए, राइट करिए मेरे को, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उसका लिटरेचर प्रोवाइड कर दूंगा और हो सकता है मैं आपको वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी हेल्प भी कर सकूँ। सो गाइस मैं लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, स्टे ट्यून्ड विद अस और बने रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं। सो थैंक यू एंड वन मोर थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर सीरीज है। अगर मेरे शेयर्स नहीं बढ़ेंगे, लाइक्स नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण हो सकता है कि मैं आने वाले समय में ये वीडियोस बनाना बंद भी कर दूं। तो आपसे सिर्फ एक ही सपोर्ट है, मैं कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट देने की बात कर रहा हूँ आपको, जो हो सकता है कि आप बड़ी सिटीज में जाके 1 लाख रुपीज खर्चा करके भी आपको ये कंटेंट ना मिले इजिली। सो गाइस
आप शेयर करिए, एटलीस्ट जो आप कर सकते हैं वो तो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराइए, अपने कॉलेज में शेयर करिए, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर्स करेंगे, जितने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे, उतना ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरा कंटेंट अच्छा है, और उतना कंटेंट तो अच्छा है लेकिन उतना ज्यादा आपको समझ में आ रहा है और आप ये लाइक कर रहे हैं। सो गाइज, व्यूज सिर्फ ना करिए, शेयर भी करिए। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।